किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरित किया आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए? मेरा नाम आशुतोष कुमार दुबे है जी, और मैं जो है एडिटर भी हूँ ग्लोबल समाचार का। ठीक है, मुझे पब्लिक के बारे में, समाज के बारे में, जो आज के समय जो चल रहे हैं, घटनाएं जो हो रही हैं बेटी बेटियाँ के ऊपर, उसी के सिलसिले में कहानी है। ठीक है, इसके जो राइटर हैं आज़ाद जी हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल दे देंगे। ये एक नया तरह का कॉन्सेप्ट है बिटिया रानी, जैसे कि आपने टाइटल देखा है। तो बिटिया रानी जो है वो बच्ची पर आधारित है, बच्ची का स्ट्रगल है, उसके माँ बाप उसको पालते हैं पोसते हैं और फिर स्ट्रगल करके कहाँ तक उसको आगे बढ़ाते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। अभी हमने पिछली बार 2-3 महीने पहले इसका कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, अब हमें प्लानिंग के शुरू हो जाने वाले हैं। तो आपने कोई रियल लाइफ इंसिडेंट से ये प्रेरणा ली है, ये स्टोरी लिखा है? घटनाएँ देखिए, घटनाएँ तो होती रहती हैं, आपको आए दिन कहीं ना कहीं बिटिया के ऊपर, लड़की के ऊपर कोई ना कोई आपको न्यूज़ मिलते रहता है, वो टीवी हो या ये हो, भ्रूण हत्याएँ इतनी हो रही हैं, लोग बच्ची को फेंक दे रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो तो हो रहा है आपके सामने, नज़र के सामने, हर आदमी इस चीज़ को जानता है। तो हम थोड़ा सा राइटर हैं तो थोड़ा सा इसको सोचते हैं कि इस चीज़ को हम दर्शक के सामने कैसे दर्शाए। सर, आज़ादी ये कहना चाहूँगा कि आज के समय आप देख रहे हैं बहुत सारी सामाजिक मुद्दे पे फिल्म बन रही, तो कितना ज़रूरी सामाजिक मुद्दे पे फिल्म बनाना और कितना ज़्यादा उस चीज़ को और प्रेरित करना चाहिए लोगों को? देखिए, ज़रूरी है, जागरूकता तो लानी चाहिए, और हम तो कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि ये गलत है। सारे लोग जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, क्या करें, ये क्या बताऊँ, मतलब किस तरह के लोग करें जो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। भ्रूण हत्या तो एक पाप है सर, गॉड ने आपको गिफ्ट दिया, उसे एक्सेप्ट कीजिए। अश्विनी, आपसे जानना चाहूँगा आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से योगदान करने वाले इस फिल्म में, और कास्ट क्या बताइए, कास्ट फाइनलाइज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? कास्ट जो है पूरे फाइनल हो गए हैं, बस आज मुहूर्त है,
और हम लोग शूट के लिए निकलेंगे। तो कैसे फिल्म को जाना पहचाना चेहरा रहेगा, कोई ऐसा नाम जो पहले से जानते हैं उसको? हाँ, कुछ लोग हैं, जैसे भी डायरेक्टर जो हैं संतराम जी हैं, उन्होंने बहुत से खाली फिल्म किया है। अभी एक जून को रिलीज हुई थी गड़बड़ झाला करके मराठी मूवी, वो भी सुपरहिट मूवी हुई है। तो जो हमारे साथ डायरेक्टर जी हैं बहुत ही अच्छे हैं। आज की डेट अगर वो नहीं आ पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आज की डेट नहीं आने की वजह ये है कि आज वो अपने शूट पे बिजी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए। तो अभी उनसे बात हुई, बोले कि हम जो है शूट पे जहाँ पे शूटिंग हो रही है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो शूट कब से शुरू होने वाला है और कब तक पर्दे पे आने वाली है ये? देखो, ये जो है नवंबर तक आ जाएगी। लोकेशन कहाँ कहाँ रहेगी? लोकेशन जो है मुंबई का ही है और कुछ उत्तर प्रदेश के सीन रहेंगे। हाँ नमस्ते, ये बिटिया रानी जो है प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और इसमें एक मैं माँ का एक कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है और आशुतोष दुबे सर जी का है और ये प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और नवंबर तक टेलीकास्ट भी हो जाएगा बिटिया रानी और इसको काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा और जो लोग देखेंगे दर्शक लोग उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा, मुझे करने में मज़ा आएगा, उनको देखने में मज़ा आएगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो डेब्यू प्रोजेक्ट से पहले तो पेपर में काम किया? हाँ, मैंने साउथ की दो मूवी की हैं 2014 में एज ए लीड, फिर उसके बाद मेरा कुछ कुछ फोकस अपने घर गृहस्थी में हुआ तो मैंने बीच में प्रोजेक्ट बंद किए हुए थे, फिर उसके बाद मैंने दो शॉर्ट मूवी किए हैं, फिर उसके बाद अभी ये बिटिया रानी का मिला है मुझे। मैं चाहूँगी कि इसमें मैं अपना बेस्ट से बेस्ट माँ का एक रोल निभाऊँ जो कि हर एक गृहिणी का वो होता है करते हुए कि अपने बच्चों को कैसे वो करना चाहिए। तो बिटिया रानी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट दिखाने का मौका मिला है और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगी। सर, आपसे नाम क्या और कैसे जो इस प्रोजेक्ट से? मेरा नाम रवि कावा है, मैं एक बेटी का पिता का ना रोल कर रहा हूँ और यहाँ हम ये करना चाहते हैं कि बेटी को जागरूक करना चाहते हैं, देश की बेटी को जागरूक करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, कैमरा में देखिएगा प्लीज, कैमरा में बोलिए, नाम बोलिए और बताइए कैसे जो इस प्रोजेक्ट से। हाय, मैं अनुराधा श्रीवास्तव। तो अनुराधा जी, कैसे जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और प्रोड्यूसर हमारे दुबे जी हैं। मैं इसमें माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारी मूवी में काम किया है। सर, आपसे आप बताइए क्या करना? वीरेंद्र कुमार, मैं इसमें एक फादर का करेक्टर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे सीरीज वगैरह में अच्छे अच्छे करेक्टर किए, इंस्पेक्टर वगैरह के। तो अभी इसमें मैं फादर का करेक्टर कर रहा हूँ, एक बिटिया रानी। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे देश को कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, देश को ये जानने को मिला है कि बेटी माँ बाप पे बोझ नहीं होती, माँ बाप के लिए एक बेटी भी नाम ऊँचा कर सकती है, यही कहना चाहूँगा। थैंक्स सर। और कौन है, परिचय दीजिए, बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे जुड़ी हैं और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? मेरा नाम सोनिया सैनी है एंड ये जो बिटिया रानी कॉन्सेप्ट है एक बहुत अच्छा है और दूसरी बात आशुतोष दुबे जी के थ्रू मैं इससे जुड़ी हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे एक मौका दिया गया है इसमें और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी जो आपको भी अच्छा लगे और दैट्स इट। तो सुनिए, ये पहली फिल्म है आपकी या कोई और फिल्म में काम? नहीं, ये मेरी एक्चुअली पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले मैं सीरियल कर चुकी हूँ, स्टार प्लस का किया है, बिग मैजिक का एंड उसके बाद मैंने आतंक का अंजाम अभी लास्ट मूवी की है जिसमें मैंने एक विलन का किरदार निभाया है। तो आप खुद एक लड़की हैं, बिटिया रानी जो भी है इसमें दिखाता है कैसा मतलब अवस्था होता है, लड़की से क्या होता है, मतलब किस तरह से फेस करना पड़ता है लाइफ को, तो कितना ज़्यादा? देखो, लड़कियों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है और दूसरी बात ये जो कुछ लोग हैं ऐसे जो लड़कियों को डीमोटिवेट कर देते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, मतलब उन्हें एक तरीके से इतना ज़्यादा वो करते हैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। जैसे जो लड़के हैं, और मेरा मानना तो ये है आज की डेट में लड़का और लड़की कोई कम तो है नहीं, दोनों बराबर स्टेज पे हैं, तो लड़कियां भी उतना ही नाम रोशन कर रही हैं और आज की डेट में भी कर रही हैं और लड़के भी उतना ही नाम कमा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के अलावा और कोई प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं या करने वाली हैं? अभी तो मैं जस्ट ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ और इसके बाद मैं करने वाली हूँ ए मेरे वतन सीरियल आने वाला है जिसका शूट कश्मीर में रहेगा। आप बताइए, आपका नाम बताइए, बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे जुड़ी हैं? मेरा नाम आराधना जायसवाल है और इस ये प्रोजेक्ट मेरा पहला प्रोजेक्ट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिटिया रानी प्रोजेक्ट को लेकर। तो बस यही चाह रही हूँ कि बस दर्शकों को मेरा रोल कैरेक्टर जो इसमें है एक बेटी का, तो वो बहुत पसंद आए सर। तो आपको अगर कुछ करने का मौका मिला लड़की के लिए तो क्या करोगी, मतलब कुछ भी अगर मौका मिला? हाँ, फीमेल्स के लिए तो क्या करना चाहोगी? मैं फीमेल्स को ऑलरेडी मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ बिकॉज मैं भी एक फीमेल हूँ, तो उनके लिए कुछ करने का मौका मिला तो मैं उनको ऐसे आगे बढ़ाने टाइप कुछ अच्छा ही करूँगी।
हेलो सर, मैं नेहा सिंह हूँ। मैं आगरा से हूँ और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं। ये बिटिया रानी का प्रोजेक्ट जब मेरे पास आया तो ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी कि मैं ये प्रोजेक्ट करूँगी, बट इसका जो कॉन्सेप्ट था एज अ फीमेल, एज अ लड़की, मैं खुद बेटी हूँ किसी की, मेरी मम्मी, फैमिली सब कुछ है, तो ऑलमोस्ट हम सब ने यूपी वेस्ट में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं जो एज अ फीमेल के साथ फेस करना पड़ता है। तो ये बिटिया रानी का प्रोजेक्ट एक ऐसा था कि मैं कुछ पब्लिक को बता पाऊँ कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए एज अ फीमेल के साथ या एक लड़की या बेटी के साथ, क्योंकि हम सब वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक बॉय या गर्ल या लड़का कोई भी हो, वो सब कोई कर सकता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है और हम हर वो चीज़ कर पाते हैं जो एक फैमिली को सपोर्टेड हो। तो बिटिया रानी प्रोजेक्ट करने का सिर्फ यही रीज़न है कि मैं लोगों को अब एज अ फीमेल कुछ ऐसा दिखा पाऊँ जो उनको लगता है कि फीमेल या गर्ल नहीं कर सकती। दैट्स इट, और कुछ खास नहीं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट फीमेल को लिए बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, और बाकी सब आप पर्दे पे देखिएगा। तो इससे पहले क्या प्रोजेक्ट में काम किया और आगे कोई प्रोजेक्ट करनी है? कुछ सम सीरियल्स किए हैं, देन शॉर्ट मूवीज़ किए हैं, थिएटर किए हैं, काफ़ी सारे किए हैं, बट एज अ बड़ी फिल्म मेरे लिए ये पहला प्रोजेक्ट है और कोशिश करूँगी कि सब कुछ अच्छा कर पाऊँ और अच्छा दे पाऊँ पब्लिक को, लोगों को पसंद आए मेरा काम। दैट्स इट। और मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से आई हूँ। तो मेघा, ये बताइए ये प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगी, जो है ये फीमेल का जो स्ट्रगल होता है सोसाइटी में उस पर, तो क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से? मुझे तो मतलब ये प्रोजेक्ट सुन के पहली बार अच्छा लगा कि मतलब कुछ अच्छा हो रहा है और मुझे अच्छा लगेगा। मैं लीड रोल कर रही हूँ तो मतलब मैं बता पाऊँ सबको कि मतलब क्या एज अ फीमेल के साथ कैसा होता है, क्या होता है, और आज के डेट पर मतलब कोई लड़की कम नहीं है लड़कों से। तो ये पहला प्रोजेक्ट है या पहले भी आपने काम नहीं? मैंने पहले ऑलरेडी कर लिया है, रियलिटी शोज किए मैंने और एल्बम्स किए मैंने, 8 एल्बम्स और 7 एल्बम्स मैंने खुद कोरियोग्राफ किया और 1 एल्बम मेरा खुद का लीड ऐसा। और काफी यंग है, पढ़ाई भी जानते नहीं है, पढ़ाई छोड़? हाँ, मेरी पढ़ाई चल रही है। हाँ, कौन सी क्लास में? मैंने अभी 11th का एग्जाम दे के आई हूँ मैं अंडमान से, और अभी 12th का। मुंबई और अंडमान आना जाना लगा रहता है? हाँ, मतलब अभी तो फिलहाल मुंबई में हूँ, बस वेकेशंस के टाइम में गई थी। और आगे का प्रोजेक्ट करनी इसके अलावा? जी, आगे फ्यूचर का प्रोजेक्ट है आपका? आगे फ्यूचर बस मुझे मेरा जो मतलब एम है, मेरा जो ड्रीम है, वो मेरी है कि मतलब मैं एक अच्छा मूवी करूँ। हाँ, अंसारी है, मैं भी छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ और काम काफ़ी सीरियल वीरियल फिल्म कर रहा हूँ। सोनम कपूर के साथ किया, अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, और एक अभी फिल्म कर रहा हूँ, हॉरर फिल्म है, उसमें बाबा करेक्टर कर रहा हूँ। ये बिटिया रानी टाइटल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरे ख्याल से बेटियों के लिए अच्छा सब है। तो ये सब छोटा मोटा आर्टिस्ट नहीं और ये हमारे आज़ाद भाई जो है ना, काफ़ी पुराने दोस्त हैं हमारे, तो इन लोगों से हमारी परिचय अभी पहली बार हो रही है, लेकिन अच्छे हैं दोस्त, पुराने नए हैं लेकिन पुराने हैं, और मैं सबसे चाहता हूँ कि अच्छे से मिलजुल काम करूँ। इसमें जो भी करेक्टर मिलेगा अच्छे तरह से निभाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि भगवान करे इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाए और सब लोग अच्छे से मिलजुल के काम करें, यही मेरी शुभकामना है। और इतनी कम उम्र में आपने जो उनको सपोर्ट किया और इतना जो इनका पहचान बना है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेघा एक्चुअली इसके मॉम के साथ जान पहचान हुई थी, तो धीरे धीरे इसने काम चालू किया, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी इतने अच्छे मुकाम पर पहुँच गई है। ट्रेनिंग दिया इसको, सेशंस बहुत अच्छे रहे, मतलब कि जो भी होमवर्क देते थे नेक्स्ट डे 2 चीज़ें करके लाते थे घर से कि सर मैंने ये बनाया, ये प्रोजेक्ट किया, आप ये देखिए। तो एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि काफ़ी जल्दी बूम कर गई है, बाकी बच्चे जैसे टाइम लेते हैं, कुछ सिखाने को दो, कुछ डांस के लिए दो, मतलब कि नेक्स्ट डे काफ़ी कुछ प्रेजेंट कर दी थी। तो कौन से रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, कितना ज़्यादा सक्सेस मिला? इसने अभी रिसेंटली स्टार प्लस पे किया था, तो वहाँ पे टॉप 15 में आई थी, शॉर्ट लिस्ट हुई थी, उसके बाद इसने किया वहाँ पे शोज वगैरह मुकेश छाबड़ा के साथ, तो नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, तो उसके बाद अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइन अप है इसके आगे फ्यूचर में। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मेरा नाम है एरिक एक्का और हम लोग एक्चुअली हम लोग टीचर नहीं हैं, हम लोग बहुत सीनियर हैं, बट हमने बहुत कुछ सिखाया है इसे मेगा को, तो हाँ प्राउड होता है क्योंकि ये डिजर्व करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें है वो
कि ये स्टार है, इसके अंदर है वो चीज़ें, जबकि हम देखते थे फ्लोर में आती थी तो ये वो मेगा नहीं रहती थी जो हमारे साथ खेलती कूदती थी, वो नहीं रहेगी। तो काम को लेके बहुत शिद्दत से काम करती है, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है हमें, हम जितने क्योंकि हम गर्व से आए हैं, क्योंकि हाँ हमारी बच्ची कुछ कर रही है इस लाइन में, तो हम गर्व से आए हैं और हम आगे बढ़ के प्राउड रहेंगे और आगे बढ़ेंगे इसके लिए कदम, हर चीज़ में हर कदम में रहेंगे आगे। फिर आप क्या कहना चाहेंगे के बारे में? मेघा तो बहुत टैलेंटेड है, डांस भी बहुत अच्छा करती है, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती है, हमने साथ में दो प्ले भी किए हैं जो मंटो की कलम में, कलम था उनका नाम, तो इसने कौन सा रोल किया था, अपना रुक्मिणी का रोल किया था इसने, तो बहुत अच्छा किया था इसने, तो आज तो इसे देख के लगता है कि ये बहुत आगे जाने वाली है, बहुत अच्छी एक्टर बनने वाली है। मेघा बताइए, तीन इंस्ट्रक्टर सब तारीफ कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो ये मतलब जो मेरे सर जैसे ही है, मतलब सर ही है, ये तीनों मतलब मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, कुछ भी होता है मुझे तो मतलब एकदम से नहीं ऐसे नहीं ऐसे है ऐसे है, तो मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज़ में। मेरा नाम उत्कर्ष गुप्ता है और जिला लखीमपुर खीरी से हूँ मैं, यूपी, और बड़ी इसमें मेहनत की है मैंने, इंडस्ट्री में मुझे हो गए 5-6 साल और काफ़ी चीज़ें की है, शॉर्ट मूवी वगैरह की है और सीरियल भी कर रहा हूँ, गांव खेड़ा नाम से एक मैंने सीरियल की है, उसमें काफ़ी मेहनत की है जो कि 20 एपिसोड हो चुके हैं और आगे प्रोग्रेस जारी है। इस फिल्म में क्या कर रहे हो? इस फिल्म में मैं सेकंड लीड कर रहा हूँ और काफ़ी सहयोग रहा है अच्छो सर का, तो इन्हीं के सहारे धीरे धीरे अपना अपने आगे बढ़ रहे हैं। कैसे तैयारी चल रही, क्या क्या तैयारी, क्या क्या कर रहे हैं? तैयारियों में बहुत कुछ किया है, मार्शल आर्ट वगैरह किया है और डांस भी किया है, सिंगिंग भी करते हैं और एक्टिंग में खास करके ध्यान देते हैं क्योंकि आगे एक्टर ही बनना है मुझे और काफ़ी आगे जाना है। सुना है कि आप पीछे करने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? जी काफ़ी कोशिशें रहती हैं, हर एक्टर की कोशिश होती है कि सबसे आगे निकले और सब कोई मेहनत करता है, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी सबसे आगे निकलूँ और मेरा भी नाम हो, बाकी वो लोग तो हमारे पूज्य हैं तो कोशिश है कि उनकी तरह बनूँ हम, मैं भी और हमारा भी नाम हो हर जगह। जितने लोग आए हैं उनको जो है हमारी तरफ से बहुत ही बहुत शुभकामनाएं हैं, यहाँ पे आए और हम लोग के साथ जुड़े रहे, इतने टाइम अपना समय दिए, इसके लिए सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। पीछे दिख रहा है प्यारे जीजू, ये जैसे कि प्यारे जीजू है, ये जीजा और सारी पर आधारित सीरियल है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारा माइंड सेट है कि जीजा और साली के बीच में एक मजाक का रिश्ता होता है, बस इसमें मजाक का रिश्ता नहीं है, इसमें बहुत प्यार है जीजा और साली में। जीजा जो है अपनी साली को सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए, समाज में इसको कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे फाइट करना है, ये सब चीज़ जो है जीजा सिखाता है। जीजा होते हुए एक दोस्त की तरह है जो सालियों की मदद करता है, हेल्प करता है और जो समाज में आगे बढ़ने चलने और तौर तरीका सिखाता है, ये इस तरह का सब्जेक्ट है। आप भी एक्टर दिखते हैं तो कोई रोल में आप भी नजर आने वाले हैं? थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर लूँगा। आप बताइए। मेरा नाम नेहा है और मैं इसमें एक साली का ही करेक्टर कर रही हूँ।
बस एक कॉमेडियन है और थोड़ा सा सीरियस है, सीरियल में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं देखा है, बट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें जीजू जस्ट फादर या फ्रेंड बोल सकते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं और हम लोगों को बड़े ही प्यार से हर एक चीज़, हर एक जो भी सिचुएशन होती है उसको हैंडल करना सिखाते हैं। लाइफ टाइम जैसे बोलते हैं कि अगर घर में जीजा और साली का हमने आज तक रिश्ता देखा है जिसमें मजाक और मस्ती चलती है, लेकिन ये और जीजा, ये रिश्ता जो है जीजा और साली का थोड़ा सा अलग है, जिसमें जस्ट लाइक सपोर्ट, फैमिली मेम्बर जैसे सपोर्टिंग है, एक मस्ती नहीं है, थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ी सी मस्ती है, फ्रेंडशिप है। एक बहुत बड़ा पिलर है जीजा हमारे लाइफ में एज अ साली इस सीरियल के अंदर। करेक्टर की बात करूँ तो बहुत मज़ा आएगा इसे करने के लिए, क्योंकि ऐसा कॉमेडियन भी है, थोड़ा सीरियस भी है और थोड़ा सा आज की जनरेशन भी मिक्स है, बहुत कुछ है इसके अंदर, आगे देखने को मिलेगा सबको। आप अपना नाम बताइए और इनसे भी आप बोल दीजिए। मेरा नाम आशुतोष दुबे है और मैं जो है ग्लोबल समाचार से बिलोंग करता हूँ, ऐसे संपादक, और इस फिल्म को मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कहानी है आज के जनरेशन के ऊपर है, जीजा और साली के ऊपर क्या रिलेशन है, कैसे हैं, और एक जीजा जो है एक अपनी सालियों को कैसे आगे बढ़ाने के लिए एक दोस्त की तरह कैसे सपोर्ट कर रहा है, एक फैमिली मेंबर की तरह, उसी के आधारित ये कहानी है। आप इधर आ जाइए, आप अपना नाम बताइए और क्या। मेरा नाम मेघा कौर है और मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से आई हूँ यहाँ पे। मैं भी साली का रोल कर रही हूँ, लीड रोल। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल बहुत से चीज़ें ऐसा होता है जो मतलब साली के हेल्प वगैरह सपोर्ट नहीं करते उनको, क्योंकि मोस्टली माँ बाप ही करते हैं सब कुछ, और जीजा का तो बहुत कम सुनने मिलता है कि ऐसे सपोर्ट करना समथिंग। लेकिन ये चीज़ मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि मतलब जीजा साली का सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब अच्छा है और मुझे ये रोल करने में बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी देखिए ये। ये किस चैनल पे टेलीकास्ट होगा? ये सोनी चैनल पे टेलीकास्ट होगा। कब से ये दिखेगा? ये अभी जी आ तो ऐसा आ जाओ राइट हैंड। इसके जो डायरेक्टर हैं कुंदन जी हैं, कुंदन रोशन, आप उनको जानते ही रहेंगे, बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं उन्होंने, हिंदी पिक्चर, मराठी, भोजपुरी, मूवी और सीरियल सब किए हैं। तो ये जो है टीवी जो है सोनी चैनल पे आएगा और इसका हम लोग जो है अभी प्रोमो मतलब कि चालू कर रहे हैं और इसके अभी कास्टिंग भी कुछ होना बाकी है, जो हम लोग करके आगे चालू कर लेंगे। थैंक यू।